गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर, यहाँ पहले आप आते थे, आप अगर यहाँ से ये ट्रॉलीज लेकर जाते थे आपको इस पर जो है वो 100 से 200 रुपया चुकाना होता था। यानी कि पहले आप 100-200 रुपया यहाँ पर जमा करवाते थे, सबमिट करवाते थे, इसके बाद आप ट्रॉलीज यहाँ से लेके जाते थे और इसके बाद जब आप ट्रॉलीज वापस यहाँ पर छोड़ते थे तो वो 100-200 रुपया आपको वापस दे दिया जाता था। पर अब प्रिंसिपल आशुतोष गुप्ता ने ये कहा कि इस तमाम लोगों को, क्योंकि कई केस जीएमसी में ऐसे भी आते हैं जो लोग रास्ते में एक्सीडेंट हुआ होता है, रास्ते से लोग एक्सीडेंट, जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उस पेशेंट को यहाँ पर लेके आते हैं और कई बार कोई इमरजेंसी में निकलता है तो वो पैसे घर से लेकर नहीं निकलता। इस चीज़ को देखते हुए एक सराहनीय बहुत अच्छा कदम प्रिंसिपल आशुतोष गुप्ता की तरफ से उठाया गया है। उन्होंने ट्रॉलीज को बिल्कुल फ्री कर दिया, बिल्कुल फ्री आप यहाँ से ट्रॉलीज कहीं भी ऊपर लेकर जा सकते हैं अपने पेशेंट को उसमें रख कर। सबसे पहले ये सराहनीय कदम उठाया गया। दूसरा, जीएमसी में पार्किंग की समस्या हमेशा से रहती थी और हमेशा से पार्किंग की समस्या रहने के बाद उन्होंने इस पर भी नया प्रावधान लाया है। उन्होंने कहा है अब इस पार्किंग की समस्या को भी जल्द ही हल किया जाएगा और जब इस पार्किंग की समस्या को हल किया जाएगा वो भी हम आप तक जो है वो बात पहुंचाएंगे। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से नया प्रिंसिपल जो है यानी कि डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने कुर्सी संभाली है तब से ही एक के बाद एक बदलाव और सराहनीय बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं जीएमसी में जो लोगों को दिक्कतें आ रही थी उनका भी सामना किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बाहर से भी लोग आते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं बाहर से पूंछ मेंढर या फिर सुरनकोट की बात करें, राजौरी की बात करें, यहाँ से भी लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और जब यहाँ पर आते हैं कई पेशेंट्स की जो है ये भी शिकायत होती है कि हमें प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया जा रहा है, हमें यहाँ प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है या अटेंड नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने लोगों के लिए, लोगों के हक में ये फैसला लिया है कि अगर आपको लगता है कि आपको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है या कोई आपके साथ यहाँ पर मिसबिहेव कर रहा है, यहाँ की मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो आप इसके लिए जो भी वहाँ पर उस टाइम ड्यूटी पर मौजूद हैं आप उन्हें इसके बारे में बता सकते हैं, आप सुपरवाइज़र को इसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि बात नहीं सुनी गई है या इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है आप सीनियर डॉक्टर से इस बारे में कंसर्न कर सकते हैं। एट द एंड अगर आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है आप डायरेक्ट प्रिंसिपल से इस बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल से इस बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं और वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे और इसके बाद जो है वो आपकी बात को, आप क्या कुछ उस पर कहते हैं वो सब चीज़ें जो है वो देखेंगे। एक सराहनीय कदम उठाया गया है। अब इसके बाद आप लोग इसे किस तरह से देखते थे, क्योंकि आप ही लोगों की आवाज़ थी कि यहाँ पर ट्रॉलीज के लिए पैसे चार्ज किए जाते हैं, जिसके बाद अब इस फैसले को लिया गया कि ट्रॉलीज को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है, आपको कोई भी पैसा नहीं चुकाना है। पर हाँ, इसमें आप लोग एक बात को ध्यान में ज़रूर रखिए, अगर आप ट्रॉलीज यहाँ से लेकर जाते हैं तो प्लीज़ आप ट्रॉलीज को वापस भी यहाँ पर लेकर आइए, यह आपका फ़र्ज बनता है, क्योंकि जो नए पेशेंट्स आएंगे वो ट्रॉलीज अगर ढूंढने जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना टाइम जो है उसमें वेस्ट होगा। इसलिए अगर आप ट्रॉलीज लेकर जाते हैं तो वापस ट्रॉलीज को यहाँ पर छोड़िए, एक ये काम जो है वो ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बात तक, आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने की। मैं सोशल वर्कर हूं, जहां पे माई सेल्फ सोमनाथ डगोत्रा एक्सीलेंसी अवार्ड होल्डर हूं मैं, जहां पे पिछले कई सालों से 18 साल से हम जहां पे सोशल सर्विस कर रहे हैं प्लस एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करते हैं, तो हर पहलू पे हम नज़र रखते हैं। तो यहाँ पे जो 200 रुपया ट्राली का रखा गया था, पहले 50 थे, फिर 100 भी हुआ, फिर 200 भी हुआ, उसका पीछे कारण ये था कि जो पेशेंट जहाँ से अटेंडेंट ट्राली लेके जाएगा वो अपना काम निपटाएगा और ट्राली वहाँ ही छोड़ देता था, इसलिए सिक्योरिटी के तौर पे उससे 200 रुपया लिया जाता था ताकि वो अपना काम निपटा के जहाँ पे ट्राली रखे और रिसीट दे और पैसे अपने रिफंड जो रखा है उन्होंने वापस ले जाए। ये आते ही जो हमारे प्रिंसिपल सर ने पहला ऑर्डर किया था कि मीडिया को अलो कर दिया उन्होंने, सराहनीय कदम था, लोगों की आवाज़ जहां तक पहुंचनी चाहिए थी प्रशासन तक पहुंचती है मीडिया की वजह से। तो दूसरा जो उन्होंने ऑर्डर जहां पे किया कि जो ट्रालियों की जो रिसीट होती है 200 रुपये की वो उन्होंने बेवाफ कर दी फ्री में, जहाँ से ट्राली लेके कदम को देखते हैं जब से आशुतोष गुप्ता आए हैं वो एक एक कदम उठा रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आशुतोष गुप्ता जी को एक अपील करूंगा कि इस के साथ साथ जो ट्रालियों का 200 रुपया आपने माफ कर दिया है, ट्रालियों की हालत थोड़ी सी सुधार दें, ट्रालियाँ जहाँ पे ठीक होनी चाहिए, अभी भी इस वक्त आपको एक भी ट्राली जहाँ पे
चार टायर जिसके सही हों वो नहीं मिलेगी, किसी एक टायर खराब है, किसी के दो टायर उनसे रिक्वेस्ट कोई ऊपर से फटी हुई है, जख्म होने का डर रहता है, किसी के ऊपर डस्ट पड़ी होती है, रैक्सिन उसके पास प्रॉपर नहीं है। तो ये भी एक आप के माध्यम से हम अपील करेंगे, आप भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जो सराहनीय कदम है, लोग बड़ी सराहना कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग सुझाव देते हैं ना, उस सुझाव की तरफ भी देखा जाए और ट्रॉलियों की हालत जहाँ पे सुधारी जाए। लोगों ने दी है कि ट्रॉलीज की हालत को सुधारा जाए, बिल्कुल हम ये बात मानते भी हैं कि वो भी इस बात को सुनेंगे और इस बात को समझेंगे। और अगर आम जनता इस वीडियो को, आप जितने भी आम जनता इस वीडियो को फिलहाल देख रही है, आप लोग इस पर क्या कहते हैं, अपनी राय को रखेगा कमेंट बॉक्स में। बना रही आप पॉली टाइम्स के साथ, मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय।